नाजरीन आदाब मैं आप सभी का इस्ताल करता हूँ आज हमारी गुफ्तु का मौजू है रमज़ान की समाजी अहमियत नाजरीन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान की एक इस्लामी अहमियत है रमज़ान इस्लाम का एक मुक़द्दस महीना है फ़ज़ीलतों का महीना है इबादतों का महीना है बरकतों का महीना है इस महीने में क़ुरान जैसी मुक़दस किताब का नज़ुल हुआ इस महीने में लोग रोज़े रखते हैं लेकिन इस महीने की एक समाजी अहमियत भी है समाजी अहमियत इसलिए है कि रमज़ान समाज को एक दूसरे से जोड़ता है तो रमज़ान की समाजी अहमियत क्या है इस पर हम गुफु करेंगे और हमारे साथ गुफगु के लिए मौजूद हैं हमारे दो ख़ास मेहमान जिनका हम इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं और आपका तारुफ कराते हैं हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर अख्तरवासी साहब इलमी अदबी मजहबी दुनिया में किसी भी तरह से आप तारफ़ के मोहताज नहीं हैं बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं मुफक्र हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के आप सरबरा हैं और हमारे दूसरे मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब आप भी इस्लामियात के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर हैं तो सर पहला सवाल आपसे है प्रोफेसर अख्तुलवासी साहब से कि रमज़ान की समाजी अहमियत पर तो हम आपसे गुफ्तु करेंगे लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि रमज़ान का तारीख़ी पस मंर क्या देखिए ऐसा है कि क़ुरान में जहाँ रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने का हुक्म दिया गया है वो बहुत दिलचस्प है कहा गया है अल्लाह रबुल्जत कहते हैं कि हम ये लोगों हमने तुम पर रमज़ान के एक महीने के रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए जिस तरह पिछली उम्मतों पे किए थे जी। तो पता ये चला कि रमजान रोज़ा जो है वो इबादत है जिसका ताल्लुक़ महज इस्लाम से या मुसलमानों से नहीं है बल्कि पिछली जो कौमें थीं, पिछली जो उम्मतें थीं उनके यहाँ भी रोज़ा किसी न किसी तौर पर मौजूद था उसका नाम अलग हो सकता है उसका फॉर्म अलहदा हो सकता है जी जी। तो अगर आप देखें मिसाल के तौर पे हिंदू मजहब को हिंदुस्तान के हवाले से हम बात करें हिंदू मजहब में व्रत या उपवास जो है उसकी पुरानी रिवायत मौजूद है जैन धर्म के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है ईसाइयों के यहाँ भी रोज़े का तस्वुर जो फास्टिंग है वो कही न कहीं ना कहीं मौजूद है यही यहूदियों के यहाँ भी रहा है तो अगर आप देखें तो रोज़ा जो है किसी न किसी शक्ल में दुनिया की हर मजहबी रवायत का हिस्सा रहा है और उसी तारीखी तसलसल में अल्ला रबुल्ज़त ने उसका रिश्ता जोड़ते हुए जब दो हिजरी में रमजान के रोज़े फ़र्द किए करने का हुक्म दिया कुरान में तो इस बात का अदा भी किया और इस तरह से उस तारीख़ी तसलसल से रमज़ान के रोज़े जो हैं आप उन्हें जोड़ सकते हैं बहुत खूब अख्तर वाज साहब आपने बहुत से तमाम मजाब के हवाले से आपने इसकी तारीफ़ की गुफ्तु को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपसे भी सवाल करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि हमारे समाज के ऊपर रोज़े के क्या असर हैं रमज़ान के क्या असर हैं देखिए ऐसा है कि समाज जो है वो फर्द से अफराद बनाते हैं जी यानी फर्द जो है वो बुनियादी इकाई है जो समाज को तश्कील देता है।, है तो समा रोज़े का असर फर्द की जिंदगी पर भी पड़ता है जी और अफराद जो हैं जिस समाज को तश्कील देते हैं उस पर भी पढ़ना लाजमी है जी. मिसाल के तौर पर पहला जो असर पड़ता है वो ये कि आप रोजे यकसा तौर पर फर्द किए गए हैं जी अमीर हो गरीब हो बूढ़ा हो जवान हो औरत हो मर्द हो जी. अब रोजे फर्द कर दिए गए तो रोजे में आपसे कहा गया कि एक ख़ास वक्त से लेकर खास वक्त तक आप ना कुछ खाएंगे ना पियेंगे और ना जो ख्वाहिशाते न, नफसानी हैं आप उनकी तरफ रागिब होंगे बल्कि उनसे इज्तनाब करेंगे जी, जी। तो एक तो ये आपके अंदर कुत बर्दाश्त पैदा करता है जी जबत नफ्स जो है उसकी आपको ट्रेनिंग होती है जी दूसरे ये होता है कि जब आप भूखे और प्यासे रहते हैं तो आपको ये पता चलता है अमीर से अमीर आदमी को के गरीब का भूख और प्यास का जो दुख है और तकलीफ है और पीड़ा है वो क्या होती है जी जी। अगर रमजान के रोजे न होते तो अमीरों को ये पता ही नहीं चलता कि भूख की तकलीफ क्या होती है और प्यास की शिद्दत जो है उसका क्या इस्तराब पैदा होता है उसके नतीजे जी। में जी जी। तो एक तरह से एक फायदा तो समाजी तौर पे इससे ये होता है दूसरे ये होता है कि आप इस बात का ख्याल रखें लोग कम खाने से नहीं मरते बल्कि ज़्यादा खाने से बीमारियों का शिकार भी होते हैं और उसके नतीजे में मौत का लुकमा भी बन जाते हैं नज़र से तिब्बिन रुखते नजर से भी, जी, नजर जी, से जी, भी अगर आप जी, देखें जी, तो इस एतबार से अगर आप देखें तो रमजान का जो एक मामला है वो ये वो हमें इस बात की तलकीन करता है और तरबियत करता है कि हम जो हैं वो अपनी जो भूख और प्यास है उसकी किफालत तो करें उसकी तशफ़ी का सामान तो करें हम खाना भी खाएं पानी भी पिए लेकिन जी उसके लिए एक हद रखें जी जी जी, जी।, जी 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 और इस तरह से जब आप एक महीने तक आप देखिए दुनिया की हर मशीन जो है उसके लिए एक सर्विसिंग पीरियड होता है जी जी जी। जी इंसानी जिस्म की जो मशीन है उसके लिए भी रमजान का महीना मेरे नजदीक एक सर्विसिंग जी, पीरियड जी, 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 है जब आप कम खाते हैं कम पीते हैं ख्वाहिशाते नफसानी जो हैं उनसे इजतनाब करते हैं तो नतीजा ये होता है कि आपका मैदा हो आपका जिगर हो आपके गुर्दे हो आपकी आते हो उसके ऊपर भी असर पड़ते हैं पूरा निज़ाम जो जी। है आपका वो, वो बुनियादी तौर पर उसको रेस्ट मिलता बार। है बार। बार। उस पर हम गुफ्तु करेंगे साजिद रशीदी साहब रमजान में रोजे में एक खास वक्त से खास वक्त तक रोजा रखने वाला भूखा रहता है और उसके बाद वो इफ्तार करता है इफ्तार का भी एक ख़ास वक्त होता है हम तो हम ये चाहते हैं कि आप नाजरीन को बताएं कि वक्त क्या है भूखे रहने का किस वक्त से इंसान रोज़ा शुरू करता है और किस वक्त पे ख़त्म करता है और इफ्तार की भी समाजी अहमियत क्या और रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हम अब अपनी उस ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाए जो ज़िंदगी हमसे अल्लाह चाहता है जी यानी तकवे की ज़िंदगी जी और उसका एक टाइम मुतिन है कि हम सुबह शादि जी सुबह सदिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को भूखा और प्यासा रखें भूखा रहकर अल्लाह के नाम पर अपने आप को भूख और प्यास से दूर रखकर इफ्तार के वक्त यानी गुरूब के वक्त जी, जी। जिस वक्त जब सूरज हो गुब होता है जिस वक्त इफ्तार करता है तो उस वक्त भी उसकी समाजी हैसियत ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पड़ोस के अंदर किसी आदमी के पास इफ्तारी का सामान मौजूद ना हो बहुत खूब अल्लाह ने मुझे नवाजा है मेरे पास इफ्तारी का सामान है बहुत सारी चीजें हैं मैं कम अज कम एक दो चीज ही सही हदीस में तो यहां तक आता है कि आप इफ्तार कराओ चाहे लस्सी का एक घूटी से ही पानी का एक घूटी से ही या खजूर का एक टुकड़ा ही सही ये समाजी हैसियत है कि हम अपने गिरदो पेश में इस चीज को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन भर भूखा प्यासा रहने के बाद कोई आदमी ऐसा तो मौजूद नहीं है हमारे पड़ोस में जिसके पास इफ्तारी तक के लिए भी सामान ना हो जी जी इसलिए हम उन तमाम चीज़ों को सामने रखें यही हमें रोजा तालीम दे सबसे अहम मकसद जी, जी। रोजे का हकूक़ इंसानी का तहफ़ है जी, जी। और पड़ोस के साथ हुसन सलूक करना जी, है जी, जी, जी। और ये भी एक चीज़ इसमें यह भी है कि हम रोज़ा इफ्तार करते वक्त जो हमारे अंदर उस बारह या अठारह या सोलह घंटे की जिंदगी में जो हमने भूखा और प्यासा हम रहे हैं उसमें जो हमारे अंदर जो तजकिया नफ्स आया है जी जी हमारे अंदर जो तकवे की सिफत आई है हमारे अंदर जो ख्वाहिशात से दूर रहने की चीज़ पैदा हुई है जी जी। हमने जो भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है उसके साथ साथ हमें उस वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अल्लाह की तमाम तारीफात को सामने रखते हुए और कुछ दुआएँ जो ख़ास तौर से इफ्तार जी जी। के लिए हैं उन दुआओं को सामने रखते हुए हम अपने रोज़े को इफ्तार करें मुख्तलिफ दुआएँ हैं इफ्तार के लिए भी जी 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 अल्लाई नकासम तो वह अभी का अमन तो वाली का तवक्ल तो या इस तरीके की प्रोफेसर अख्तुलवासी साहब रमज़ान में एक जक़ात का निज़ाम है और यह निज़ाम जो है समाज से बहुत करीब है और मुझे लगता है कि अगर इस निज़ाम को पूरी तरह से फॉलो किया जाए तो कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता गरीब नहीं रह सकता और यही रमजान का और इस्लाम का एक खास मकसद है तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि यह रमजान में जो जक़ात का निज़ाम है वो क्या देखिए जक़ात हर पर जी और साहेब निसाब की तारीफ ये है जी। हर उस शख्स पर जिसके पास साढ़े सात तोले या साढ़े बावन तोले चांदी जी। या उसके मकदार भर कोई भी सेविंग कोई बचत जी एक साल तक मुस्तकिल रहे उसके तमाम जायज खर्चों के जी, बाद जी, उस पर फर्ज किया गया है कि वो ढाई परसेंट उस सेविंग का, जी, उस बचत का राह खुदा में खर्च करे जी, कम से कम है ढाई परसेंट जी, इस बात को ख्याल रखना चाहिए रमज क्या रमजान कोई शर्त नहीं रमजान इज नॉट ए फाइनेंशियल ईयर और ये कैलेंडर जिसे कहते हैं किसी भी दिन नहीं सब साल भर लेकिन रमजान में लोग इसलिए करते हैं, हैं कि रमज़ान के महीने में हर इंसान एक ख़ास कैफियत से गुजरता जी है भूख और प्यास की कैफियत होती है और नबी करीम सलाम के बारे में ये रिवायतें मुसद्दका तौर पर मिलती हैं कि आप साल भर लोगों की मदद करते थे लेकिन रमज़ान के महीने में गरीब मुस्तहिकीन नादार मुफलिस लोगों की मदद ज़रूरतमंदों की मदद आप इस तरह करते थे जैसे कि तेज़ बाद बहारी चल रही बहुत 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 तो उसी नस्बत से लोग रमज़ान के महीने में ज़क़़त निकालते हैं और ज़क़़त जो है उसके अंदर ये है कि एक बात तो इससे ये है ये इर्तकाज दौलत जो है कंसंट्रेशन और वेल्थ न हो इसके लिए कोशिश है आप जब देते रहेंगे ढाई परसेंट दूसरे आप समाज के तहीं आपके कुछ जिम्मेदारियां हैं और जिस समाज का आप हिस्सा हैं उसकी मदद करना आपका फर्द है इस बात का एक एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है तीसरी चीज जो है वो ये आप जक़ात उसको देंगे जो आप सब आपकेब कर, तरीन लोगों में सबसे ज़्यादा मुस्तक होगा जी जी, और उसके अंदर मिसाल के तौर पे आप किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए भी दे सकते हैं जी किसी की तालीम की ज़रूरत के, के लिए भी दे सकते हैं खाने पीने की ज़रूरतों की किफ़ालत के लिए भी दे सकते हैं तो आप मुख्तलिफ मुक्त, चीज़ों में जक़ात दे सके सर ये इतना खूबसूरत निज़ाम है कि मुझे लगता है कि अगर इसको फॉलो किया जाए तो समाज इस्लामी तारीख में जी, जी, ऐसे अदवार गुजरे हैं जी, 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 और आज भी ऐसे इस्लामी मु... मुस्लिम माशरे मौजूद हैं कि जब जक़ात लेने वाला ही नहीं मिला मिसाल के तौर पे आज भी अगर आप देखें तो खलीजी ममालिको वहाँ आबादिया हैं वो जकत निकालने वाली हैं जकत लेने, लेने वाला नहीं।, नहीं है कोई लोकली उनके जी, जी, तो ये असल में बात अगर इसको किया जाए मैं ये एक बात और बहुत दिलचस्प से कहता चलती कि जक़ात के मामले में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शखर का एक मैं यहाँ पे कौल जरूर आपको चाहता हूँ और आपके तवस्स से आपके नाजरीन तक पहुंचाना चाहता हूं। बाबा फरीद्दीन गंजे शगर किसी ने कहा कि बाबा जक़ात का क्या मामला है तो उन्होंने कहा जक़ात नियत तीन तरीके की होती है उनका क्या मतलब कहा एक जक़ात शरीय होती है ढाई परसेंट दो और बाकी सब अपने पास रख लो दूसरी जक़ात तरीक़त होती है एक जक़त शरीयत हो गई है एक जकत दूसरी तरीकत है ढाई परसेंट रख लो बाकी सब अल्लाह के राम दे दो, और तीसरी जकत हकीकत होती है, कि सब कुछ की दे है मतलब ये मैंने इसलिए कहा कि जक़ात की गैर मामूली बहुत अहमियत है जी रही रमजान में एक तस्वुर है बल्कि एक रमजान का एक बहुत खास हिस्सा है फितरे का निज़ाम जो मुझे लगता है कि वो भी हकूक़ इंसानी की और समाज की बहुत ज़्यादा तहफ़ करता है तो फितरा क्या है और उसको किस तरह से निकाला जाता है रमज़ान में इसकी वज़ाहत आप करें जक़ात जो है वो साहिब निसाब दे रहा है लेकिन फितरे के अंदर जो साहिब निसाब है और सरबराह ख़ानदान हैं जो कि मुशी किफ़ालत के लिए ख़ानदान की ज़िम्मेदार है वो जितने लोग उसके डिपेंडेंट्स हैं उसके मुतवसलिन हैं मुतालिकीन हैं उन सब की तरफ से वो फितरा निकाला जाएगा वो फितरा निकाला अलग अलग भी दिया जा सकता है अलहदा अलहदा भी दिया जा सकता है लेकिन अगर हर आदमी नहीं अगर वो अगर वो है तो ठीक है लेकिन मिसाल के तौर पे जो हमारे घरों के अंदर हमारी जो वो पूरी वो है कि हम मिसाल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ बीवियां कमाती नहीं है जी जी। लेकिन बीवियां जो हैं उनकी तरफ से दिया जाता है जी जी तो घर के अफराध खानदान जितने हैं जी जी जी। आपके आप उन सब की तरफ से, से भी से। जिसे हैं। जी। हर आदमी का जो है वो देते हैं जक़ात और फितरे की तो बात बहुत खूबसूरत से आपने वजाहत की एक चीज है कि रमजान में रोजे में इंसान की एक कैफियत यह भी होती है कि वो तकवे से बहुत करीब होता है और बुराइयों से भी दूर रहता है तो समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रमज़ान का रोजे का ये भी है कि इंसान हर तरह के क्राइम से बिल्कुल दूर रहता है रमज़ान के रोज़ों की दो कैफियतों को सामने जी, रखना चाहिए जी, 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 एक तो ये कि रोजे के रोजा वाहिद इबादत है जी, 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 जी। जिसके अंदर की नुमाइश नहीं है जी, मतलब मैं इसको किसी गलत मानने में न लेकिन बहरहाल जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जमात से नमाज पढ़ते हैं तो लोग तो हमें मस्जिद जाते आते जी देखते जी तो हैं जी 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 घर में पढ़े बाजार में पढ़े जंगल में पढ़े कहीं पढ़े जहां पे पढ़ रहे हैं किसी न किसी की निगाह तो पड़ती है जी जक़ात जो है वो इस तरह देने का हुक्म दिया गया है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो लेकिन बहरहाल जिसे आप जक़ात देते हैं उसे तो पता होता है ना कि आपने उसे जक़ात दी एक आदमी तो मौजूद है ना हज का मामला ये कि हज ऐसी इबादत है कि जहां आपको हजारों लाखों लोग देखते हैं जाते हुए भी आते हुए भी और तमाम अरकान अदा करते हुए भी रोजा वाहिद है कि जब तक कोई शख्स ये न कहे कि मैं रोजे से हूं किसी को पता नहीं चलता जी। एक बात जी। तो रोजे के अंदर नुमाइश का कोई खाना जी जी। नहीं इसीलिए अल्लाह ने इस इबादत का सवाब नहीं हर इबादत का सवाब अल्लाह के पास जी है जी जी। लेकिन खसूसी तौर पर इस इबादत का सवाब अपने पास रखा एक बात जी जी। दूसरी बात यह है ये बात भी कही गई कि अगर तुम अपने नफ्स पर जब्त के साथ अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते जी अगर तुम आरा अखलाक बेहतर नहीं हो सकता अगर तुम गुस्से का शिकार होते हो अगर तुम बदमिजाजी और चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हो अगर तुम बुरा भला कहने पे आमादा हो जाते हो अगर तुम गाली गलोच करते हो तो हमें तुम्हारे रोजे की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये बहुत ही अहम जो तो जो बात तकवा जो है देखिए तकवा क्या है तकवा है खुदा से डरना परहेजगारी जी और अल्लाह से डरने वालों की सूरह बकरा की इब्तदाई आयत में अल्लाह ने जो पहचान बताई है वो ये बताई है कि वो बिन देखे पे ईमान लाते हैं नमाज क़ायम करते हैं और जो कुछ उन्हें दिया गया है वो अल्लाह की राह में खर्च करते बहुत हैं। को बहुत सर वक्त कम है और बहुत सारे सवाल आते हैं एक सवाल जो रमज़ान के ताल्लुक से और रोज़े के ताल्लुक से हमारे हिंदुस्तानी माशरे में बहुत अहम है वो ये कि यहाँ कई मजाहिब के लोग रहते हैं और हिंदुस्तान की खसूसियत यह है कि हर मज़हब के लोग हर मज़हब की बहुत ही इज्जत करते हैं तो हिंदुस्तान में जो रोज़े का तस्वुर है और अफतारी का तस्वुर है वो कौमी यकजहती का भी तस्वर है वो क्या है इसके बारे में आप कुछ बताएं आप रमज़ान में देखिए हर आदमी जानता है जी जी मुसलमान से ज़्यादा मुसलमान तो अपने घरों के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तारी का इंतजाम करते जी हैं जी जी लेकिन जो हमारे भाई हैं वो दूसरे मजहब मानने वाले हैं। जी, जी, जी. वो हमें बाकायदा जी, जी. इन्वाइट करते जी, जी. हैं और इफ्तार पार्टियां रखते हैं चाहे वो सियासी स्या, तौर पर हो या समाजी तौर पर हो सियासी भी होती हैं, समाजी भी होती जी, हैं। जी, जी. तो उन लोगों की नज़र में भी हमारे इफ्तार का हमारे रोजे का वही मकाम है जी, जी. जिस मकाम को समाजी एतबार से हम समझते हैं कि भाई रोजा एक इबादत है अल्लाह के नाम लेने की वही मकाम उन लोगों की नजर में भी है कि ये लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाओ हम इनकी इफ्तार करा के हम भी अपने हिस्से में कुछ ले ले। तो ये समाज को जोड़ने वाला जो तस्वुरा है, है।, है कि याद रखिए जिस खालय ने हमें और आपको पैदा किया है सबको पैदा किया है वो रबालमीन है और जिस नबी के जरिए हमें रोज़े की सौगात मिली है वो रहमत है और याद रखिए तमा, तमाम इस्लामी तस्वुर के मुताबिक तमाम इंसान एक आदम की औलाद हैं आदम मिट्टी से बने थे इसलिए किसी काले को गोरे पर गोरे को काले पर अरबी को अजमी पर अजमी को अरबी पर नस्ल की जबान की इलाक़े की बुन बुनियाद पर कोई इम्तियाज और कोई, कोई फदीलत हासिल नहीं सिवाय एक बात के कि आप अल्लाह से कितने डरते हो और अल्लाह से डरने वाला कौन है वो जो अल्लाह पर ईमान भी रखता है और साथ में जो कुछ उसे दिया है वो अल्लाह के बंदों पर खर्च करता चीज़ है तकवा क्या चीज है तकवा अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम है जी 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 अल्लाह चूंकि ये सब सारी चीजें रमजान से जुड़ी हुई अल्लाह ने कह दिया कि आप पूरे दिन खाना नहीं खाओगे जी जी आप पानी नहीं पियोगे जी जी हमने उस बात को फॉलो कर लिया मान जीज़। लिया जी जी यही चीज़ तखवा है यानी अल्लाह की जो अहमियत उसकी कुदरत उसकी खशियत जो हमारे दिलों में बैठी है हमने उसको तस्वुर किया है कि हम अल्लाह से डर कर उसकी बात को मान रहे हैं यही चीज़ तखवा है और तकवे की एक डिफिनीशन ये है कि आदमी जो रोज़ा रख रहा है उसके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाए कि जो गुनाह हम गैर रमजान में करते थे जी जी हम रोजा रखकर उन गुनाहों को नहीं करेंगे बहुत खूब नहीं।, नहीं करेंगे डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो तिब की बात हुई थी और सेहत की बात हुई थी कि सेहत के, के नुक़ नगाह से और तिब के नुक़ नगाह से रोजे की और इफ्तार की क्या अहमियत है, है इस पर आप एसात करें आखिर देखिए सीधी सादी बात है कि आपके जिस्मानी आज़ा जो है खासतौर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जी 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 जो है निज़ाम हजम जो है उसको एक थोड़ा सा राहत मिलती है दरमियान में क्योंकि आप कम खाते हैं जी जी कम पीते हैं एक खास मुताना वक्त से लेके मुताना वक्त तक आप बिल्कुल इन तमाम चीजों से परहेज करते हैं जी जी। उसका फायदा होता है लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि भूखे रहे जी जी। और शाम को इफ्तार के वक्त माशाल्लाह इस तरह हम टूट पड़े खाने पीने की चीजों पर कि हमने दिन भर की न सिर्फ कसर पूरी कर, कर नहीं।, नहीं कसर पूरी कर दी बल्कि रोजे का जो मकसद था वो भी कहीं ना कहीं फौत हो गया तो इस बात से हमें परहेज करना चाहिए जी, जी, जी। और उसके अंदर जो एक वो है यानी इंसानी सेहत के उसूलों के तहत जो फवाद हैं उन, उनका हमें पूरी तरह से एक पास एक करना एक चाहिए इसमें कर देता हूं। जी, जी। आज एक ट्रेड चल गया है कि हमें अपना मोटापा कम करना है जी, जी। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं पंद्रह पंद्रह हजार बीस बीस हजार रुपया इस पर खर्च करते हैं कि हमें वो डाइट चार्ट दे क्या हमें दिन भर में क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो रोज़ा अहले यूरोप जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी नज़र में भी रोजा रोजे की मोटापे को कम करना डायबिटीज़ को कम करना बहुत खुद डॉक्टर साहब बहुत अहम बातें बहुत ही मालूमती बातें मजहबी नुत नज़र से भी समाजी नुक़ नज़र से भी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम बातें आप हजरात ने की हमारे नाजरीन के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया और आप आपका उर्दू का शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तो नाजरीन अभी हम गुफगू कर रहे थे रमज़ान की समाजी अहमियत के ऊपर और हमारे साथ दो खास मेहमान इस गुफ्तू में शामिल थे प्रोफेसर अख्तुलवासी साहब और जनाब मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब तो अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ और एक नए एक्सपर्ट्स के साथ तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए आदाब